नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर। जी हां, आपको बता दें, रीवा मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक पुरुष की मौत, वहीं करंट लगने से तीसरे की मौत। जी हां, बारिश का कहर जारी। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे से लगातार रीवा में बारिश हो रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई। वहीं गुड़ थाना अंतर्गत बड़ा गांव के 50 वर्षीय ललन दुबे जी गांव में अपनी गाय चरा रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वहीं उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। घटना की जानकारी जब आसपास के लोगों को पड़ी तो तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा संजय गांधी लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मनगवा थाना अंतर्गत कंचन तिवारी नामक महिला, जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, जिसके ऊपर भी बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं बैकुंठपुर अंतर्गत साकेत परिवार, जिसकी करंट से मौत हो गई। तीनों की बॉडी को संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। अवधेश प्रसाद तिवारी, कहाँ से आए, क्या घटना हुई? हम ग्राम डेली से आए हैं। हमारे बहू के ऊपर ये जो बिजली है, आकस्मिक बिजली, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ये कैसे घटना हुई? ये एक गरज की लपक हुआ और बाहर हम निकले कि गरज कहाँ से ये ज़्यादा लपकी है बिजली धड़ाम से, तो वो देखे तो वो पड़ी हुई थी, पैर धोने के लिए गई थी। महिला का क्या नाम है? कंचन तिवारी। उम्र 25 वर्ष। कहाँ पर घटना हुई है? या हमारे ग्राम दिल्ली थाना के पास, थाना मनगवा। तो पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए अभी कार्रवाई हो रही है। कितने बजे घटना हो गई है? ये शासकीय सेवा नहीं मिली, शासकीय सेवा इसमें हमें नहीं मिली। कितने बजे घटना होगी? ये लगभग जब फोन करें 6:30 एक क्या घटना हो गई है? ये करंट से मारा। क्या नाम इनका? रजनीश साथी। कहाँ निवास इनका? क्या बरहा थाना बैकुंठपुर। कैसे करंट लगी है? करंट तार एक गिरा था, उसको बनाने गया था तो उसमें से फंस गया। घर पे अच्छा, हवा से तार गिरा है। हाँ, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। क्या घटना हो गई है? ये आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हमारी रिश्ते से जिया जी बने, वो अपने घर से करीबन आधा किलोमीटर बगीचा था, वहाँ पे शाम को गाय को लेके गए थे। मौसम ख़राब होने की वजह से वो झाड़ के नीचे बैठ गए और उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और वो बेहोश हो गए, घायल हो गए। जिनके ऊपर बिजली गिरी, उनका क्या नाम है, कितनी उम्र होगी? उनका नाम ललन दुबे है, उनकी उम्र 50 वर्ष है, निवासी बड़ा गांव थानागुड़। और इस दौरान उनको फिर एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया और उपचार के दौरान डॉक्टर ने कहा कि उनकी मृत हो चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए पीएम हेतु रखा गया। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? अभी नहीं हुआ, पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है।